भारत के ऑकलैंड में एडन पार्क में खेले गए दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात देकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने इसी मैदान पर खेले गए पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया था। दोनों ही मैचों में भारत ने रनों का पीछा करते हुए शानदार जीत हासिल की है। इस मैच में यूं तो कई रोमांचक पल देखने को मिले, लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आया जब शार्दुल ठाकुर और कॉलिन मुनरो पिच पर बुरी तरह से टकरा गए। शार्दुल ठाकुर ने ओपनर मार्टिन गप्टिल का विकेट लेकर इसकी शुरुआत की। हालांकि अपनी बॉलिंग के दौरान शार्दुल ठाकुर न्यूजीलैंड के ओपनर कॉलिन मुनरो से पिच पर बुरी तरह से टकरा गए थे। न्यूजीलैंड की पारी का आगाज मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो ने किया और चौके छक्कों के साथ तेजी से रन बनाने की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने शार्दुल को निशाना बनाया और गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। मुंबई का ये बॉलर जब न्यूजीलैंड की पारी के आखिरी पावर प्ले ओवर में गेंदबाजी करने आए तो ओवर की तीसरी गेंद पर वे कॉलिन मुनरो से टकरा गए। मुनरो ने बॉल को हिट कर रन चुराने की कोशिश की। दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर बॉल पकड़कर स्टंप्स की तरफ फेंकने के लिए दौड़े। इस हड़बड़ी में दोनों खिलाड़ी पिच पर बुरी तरह से टकरा गए। ये टक्कर काफी खतरनाक थी क्योंकि शार्दुल ठाकुर इस वजह से पिच पर गिर पड़े। आपको बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट पर 132 रन के स्कोर पर रोकने के बाद 17.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया। केएल राहुल ने सीरीज में लगातार दूसरा अर्धशतक बनाया जबकि श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर शानदार पारी खेली। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।